to UPSify. Let's do it together. तो कैसे हैं दोस्तों आप लोग? आज इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं J.S. Mill, John Stuart Mill. उससे पहले हम आज थोड़ा कवर करेंगे बेंथम के बारे में, जानेंगे कि बेंथम कौन थे. उनको फादर ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म कहा जाता है, जो एक यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी है उसकी फाउंडेशन रखते हैं. यूटिलिटेरियन निज़म की फिलॉसफी की जो फाउंडेशन है वो बेंथम रखते हैं. देन उसको क्रिटिसिज्म को ओवरकम करने के लिए जो उनके डिसाइपल हैं बेंथम के, दैट इज़ द J.S. Mill, वो किस तरह से रिफॉर्म लाते हैं लेकिन उसकी फाउंडेशन ही चेंज कर देते हैं. J.S. Mill एक बहुत इंटरेस्टिंग थिंकर है. देखिए, इनको फादर ऑफ एम्प्टी लिबर्टी कहा जाता है, इवन दो ही वॉज द चैम्पियन ऑफ द लिबर्टी. इनको रिलक्टेंट डेमोक्रेट कहा जाता है, ही वॉज द चैम्पियन ऑफ द डेमोक्रेसी ऑल्सो. क्यों कहा जाता है सब समझेंगे, लेकिन आज के इस लेक्चर में दोस्तों हम थोड़ा बेंथम के बारे में जानेंगे, मिल की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, जानेंगे कि यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी क्या सेलियंट फीचर्स हैं इस फिलॉसफी के, किस तरह से J.S. Mill ने रिफॉर्म्स लाए, क्यों रिफॉर्म्स लाए, ये सारा इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं दोस्तों. तो एज यू नो आई स्टार्ट माई लेक्चर विद द कोटेशन. तो आज की कोटेशन है, यू डोंट गेट वॉट यू विश फॉर, यू गेट वॉट यू वर्क फॉर. सो लेट्स वर्क टूगेदर टूवर्ड्स आवर गोल. तो इसी के साथ लेक्चर दोस्तों शुरू करते हैं. तो बुक्स की बात करेंगे पहले. इनकी तीन मेन बुक है, एक सिस्टम ऑफ लॉजिक भी है बुक, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग बुक है. लेकिन जो तीन मेन बुक्स हमने पढ़नी है, और मैं आपको बता चुका हूँ, जब भी आप आंसर लिखेंगे दोस्तों मेंस के एग्जाम पे, साइड पे एक छोटा सा बॉक्स बना के आप लिख सकते हैं कि पर्टिकुलर थिंकर हैज़ एक्सप्रेस्ड हिज व्यू इन अ बुक ऑन लिबर्टी, या कोई भी बुक का नाम लिख सकते हैं साथ में कि किस बुक में उन्होंने अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस किया है. दिस विल हेल्प यू टू गेट द फ्रिच द एक्स्ट्रा मार्क्स इन द मेन्स एग्जामिनेशन. अब बात करेंगे ऑन लिबर्टी की. लिबर्टी के जो व्यूज़ हैं रिलेटेड जो J.S. Mill के, वो हमें ऑन लिबर्टी बुक में मिलेंगे. तो बात करेंगे डेमोक्रेसी से रिलेटेड जो है कंसिडरेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, ये एक बुक है, इसमें उनके व्यूज़ मिलते हैं रिलेटेड टू डेमोक्रेसी की, किसके लिए डेमोक्रेसी के लिए कौन सा नेशन एलिजिबल है कौन सा नहीं है. वो कहते थे थर्ड वर्ल्ड जो नेशंस हैं उनके में डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज डेमोक्रेसी जो एक हार्ड अर्न एक हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है जो हर एक को फ्री में नहीं देना चाहिए. वो सब हम डिटेल में देखने वाले हैं. यूटिलिटेरियनिज्म 1863 में लिखी थी. एक्चुअली बेंथम ने ये फिलॉसफी की फाउंडेशन रखी थी, लेकिन जो बेंथम ने फाउंडेशन रखी तो ही दैट फिलॉसफी गॉट क्रिटिसिज्म फ्रॉम मैनी सेक्टर, ह्यूमैनिटेरियन, सोशलिस्ट, तो कई लोगों ने तो उसको पिक थ्योरी भी कह दिया. तो इस थ्योरी को जो फ्लॉस थे उसको ओवरकम करने के लिए J.S. Mill फाइनली 1863 में बुक लिखते हैं यूटिलिटेरियनिज्म. और लेकिन वो ऐसी बुक लिख देते हैं कि वो उसकी फाउंडेशन ही चेंज कर देते हैं दोस्तों. तो बिना टाइम वेस्ट के थोड़े जानते हैं कि J.S. Mill आखिर थे कौन. J.S. Mill जो थे ये एक इंग्लिश फिलॉसफर थे दोस्तों. 1806 से लेके 1873 तक ये रहे हैं और इंग्लिश फिलॉसफर थे दोस्तों. लेकिन इनके जो मेन कंट्रीब्यूशन की बात करूं दोस्तों, जो मेन कंट्रीब्यूशन की बात करूं, ही वाज़ द चैंपियन ऑफ द डेमोक्रेसी. वुमेन राइट्स के बारे में काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिखा है दोस्तों, अपनी वाइफ के साथ बुक लिखी है इस बारे में. ही वाज़ द रियल लाइक अ चैंपियन ऑफ द लिबर्टी. हम देखते हैं कि फादर ऑफ लिबरलिज्म का जो खिताब है वो मिला है जॉन लॉक को, लेकिन J.S. Mill वॉज द वन जिन्होंने एक्चुअली लिबर्टी की बात की है. लिबर्टी ऑफ, चाहे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात हो, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन की हो, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट की हो, इतनी डिटेल में मिलने इसकी बात की है. जबकि जॉन लॉक जो थे ही वॉज लाइक लिमिटेड टू द थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, राइट. तो यूटिलिटेरियन थे, इनकंसिस्टेंट थे, यूनिक एक्सपेक्ट है J.S. Mill का. बड़े मज़ेदार थिंकर हैं दोस्तों, कि अपने आप को ही लाइक इनकंसिस्टेंट रहे हैं. पहले ऐसी फिलॉसफी लिख डाली जिसमें इन्होंने फाउंडेशन यूटिलिटेरियनिज्म का पूरा चेंज कर दिया. डेमोक्रेसी को चैंपियन थे लेकिन डेमोक्रेसी सबको देना नहीं चाहते थे. लिबर्टी में माहिर थे, उसको भी इन्होंने रिलक्टेंट डेमोक्रेट का तो खिताब मिला, लिबर्टी में भी इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया कि इनको प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी कहने लगे. तो ये सब हम देखेंगे, लेकिन आज हमारा कंसिस्ट जो फोकस्ड है वो यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी पे, किस तरह से बेंथम ने उसकी फाउंडेशन रखी और मिलने किस तरह से उसमें रिफॉर्म लाए, क्यों लाए, वो सब हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं. थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं मिल के बारे में. इफ़ देर इज़ एनी वन हु इज़ अ लिबरल इन द रियल सेंस, इट इज़ Mill दोस्तों. Mill रियल सेंस में लिबरल थे. आपने देखा कि जो जॉन लॉक थे
उनको फादर ऑफ लिबरलिज्म तो जरूर कहा जाता है, लेकिन उनकी जो थ्योरी थी इट वॉज कन्फाइंड टू द राइट टू द प्रॉपर्टी ओनली, बट इन्होंने मिलने उसको थोड़ी नई डेफिनेशन दी, उसका जो आप कहेंगे स्कोप था वो और फर्दर एक्सपैंड कर दिया। जॉन लॉक जो थे उनको स्कॉलर ऑफ पोसेसिव इंडिविजुअलिज्म कहा जाता था, कि जिसमें आपकी मेहनत है वो आपको बिलोंग करता है, सोसाइटी को आपको उसके बारे में एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो थी हम देखते थे कि जस्टिफिकेशन ऑफ कैपिटलिज्म थी, तभी जॉन लॉक को एज अ थिंकर ऑफ द कैपिटलिस्ट कहा जाता था। कैपिटलिज्म की जो आइडियोलॉजी है उसको कहीं ना कहीं वो जस्टिफाई करते थे थ्रू हिज थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी एंड द थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स। लेकिन लिबरलिज्म को जस्ट अबाउट द राइट टू प्रॉपर्टी कहना या जस्ट अबाउट द जस्टिफिकेशन फॉर द आइडियोलॉजी ऑफ कैपिटलिज्म करना गलत बात होगा। मिल यहाँ पे कहते हैं कि जो फ्रीडम है स्पीच एंड एक्सप्रेशन वो हमारा लिबर्टी में आता है, फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन हमारा इसमें आता है, फ्रीडम ऑफ कस्टम एंड ट्रेडिशंस जो है, एंड सो ऑन, मैनी देर आर मैनी अदर फीचर्स विच मिल हैज़ गिवन। तो ये देखिए एक्चुअल सेंस में लिबर्टी जो आज की हम बात करते हैं वो मिल ने उसकी फाउंडेशन रखी है। जॉन लॉक ने ज़रूर फाउंडेशन रखी थी, लेकिन उस पर जो बिल्डिंग है वो मिल ने बनाई है दोस्तों। तो मिल को इनकंसिस्टेंट थिंकर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है इनकंसिस्टेंट थिंकर? बिकॉज अपनी बातों में खुद ही इनको फंस जाते हैं। जैसे मैं बात करूंगा कि ही वॉज अ चैम्पियन ऑफ द लिबर्टी, लेकिन इनको प्रॉफिट ऑफ एम्प्टी लिबर्टी कहा गया। कहीं ना कहीं ये लिबर्टी में ऐसी चीज़ बोल गए कि जो इन्होंने कहा कि इवन द मैड मैन इज अलाउड टू लाइक से, एंड उसकी बात भी सुननी चाहिए, और ऐसी बातें कुछ बोल गए जो इन्होंने अपनी बातों को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। ही वॉज द एडवोकेट ऑफ द डेमोक्रेसी, बट ही इज ऑल्सो नोन एज द रिलक्टेंट डेमोक्रेट, बिकॉज ये सब हम बहुत डिटेल में देखने वाले हैं बाद में। बिकॉज ये कहते हैं डेमोक्रेसी इज नॉट अ फ्री गिफ्ट टू गिव टू एवरी वन, थर्ड वर्ल्ड नेशन जिसमें इंडिया भी आता था उसके अगेंस्ट थे यहाँ पे डेमोक्रेसी इंप्लीमेंट करने के। ही इज द यूटिलिटेरियन, जो उन्होंने यूटिलिटेरियनिज्म को ही डिस्ट्रॉय कर दिया। देखिए मैंने कहा बहुत मज़ेदार थिंकर हैं, इन्होंने कहा कि मैं जो यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी हूँ जो मेरे गुरु बेंथम ने दी है वो उसमें रिफॉर्मेशंस लाऊंगा, लेकिन रिफॉर्मेशंस लाते लाते उसकी बेसिक प्रिंसिपल्स को ही चेंज कर दिया, राइट? तो इसलिए इनकंसिस्टेंट थे। अब देखिए रीज़न क्या है क्यों इनकंसिस्टेंट थे। एक्चुअली ये बिलोंग करते थे 19th century से, ये 19th century से बिलोंग करते थे। उस समय जो क्लासिकल लिबरलिज्म था और जो मॉडर्न लिबरलिज्म था उन दोनों के बीच के एरा से बिलोंग करते थे। एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिट एरा था जब हम क्लासिकल लिबरलिज्म की तरफ से एक मॉडर्न लिबरलिज्म की तरफ जा रहे थे। तो उसके बाद हमें पता है नेक्स्ट में न्यू लिबरलिज्म आता है। तीन तरह से हमारे फेजेस लिबरलिज्म के डिवाइडेड हैं। तो ये इन बिटवीन द क्लासिकल एंड द मॉडर्न लिबरलिज्म के बीच में से बिलोंग करते हैं। ही वॉज स्टैंडिंग एट द क्रॉस रोड ऑफ द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव लिबर्टी, मॉडर्न लिबरलिज्म एंड द क्लासिकल लिबरलिज्म। तो कहीं ना कहीं इनके इसलिए जो थॉट्स हैं वो कहीं ना कहीं आगे पीछे होते हैं। मैंने आपको बताया था कि एवरीथिंग इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम, तो ये अपने जो समय के टाइम से प्रभावित हो रहे थे, तो ये कहीं ना कहीं इनकंसिस्टेंट इसी कारण से हुए। सिंस इनकंसिस्टेंट, ठीक है, डज इट मीन कि ही इज नॉट अ ग्रेट थिंकर? क्या इसे हम कह सकते हैं कि वो ग्रेट थिंकर नहीं थे? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हैं। बिकॉज अगर हम देखें कि उनके आइडियाज जो हैं कितने रेलिवेंट हैं, उसके बेसिस पे हम एक थिंकर की जो आइडिया जो व्यूज़ हैं या पॉलिटिकल थॉट्स हैं उसको मेजर करते हैं, ना कि वो कितने कंसिस्टेंट थे या इनकंसिस्टेंट थे। तो हम बात करेंगे उनके आइडियाज़ के बेसिस पे, जो इनके आइडियाज़ थे एक्चुअल सेंस में हम बात करें, इनकंसिस्टेंट थे या नहीं थे वो अलग बात हो गया, वो अलग डिबेट का टॉपिक हो गया, लेकिन इनके आइडियाज़ जो हैं आज के टाइम पर भी काफ़ी हद तक रेलिवेंट दोस्तों हैं। अब बात करते हैं जो मेन फोकस है हमारे लेक्चर का, यूटिलिटेरियनिज्म। देखिए लिबर्टी, डेमोक्रेसी, जो मिलके बाकी फिलोसफीज हैं वो हम अलग से एक लेक्चर में करने वाले हैं, लेकिन आज हमारा फोकस रहेगा यूटिलिटेरियनिज्म पे। देखिए यूटिलिटेरियनिज्म जो है ना, इट वाज अ डोमिनेंट फिलोसफी इन ब्रिटेन इन द 18th and 19th century, एंड द रीजन बीइंग कि इसको फिलोसफी ऑफ कॉमन मैन कहा जाता है। देखिए जहाँ पे फिलोसफर्स जो थे या पॉलिटिकल थिंकर्स थे इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, इतनी बड़ी बड़ी फिलोसफीज देते थे, वहाँ पे बेंथम ने एक फिलोसफी दी यूटिलिटेरियनिज्म की। 18th और 19th century में काफ़ी डोमिनेंट रही ब्रिटेन में, क्योंकि इसको कॉमन मैन फिलॉसफी कहा गया। अब कॉमन मैन फिलॉसफी क्यों कहा गया? बिकॉज कि कॉमन मैन को समझाने के लिए एक सिंपल कंसेप्ट प्लेजर और पेन का इन्होंने दिया। इन्होंने सिंपल कंसेप्ट का, देखिए इन्होंने कहा कि बाकी फिलॉसफर्स की तरह देखिए कम्प्लेक्स नोशंस नहीं दी, इन्होंने कम्प्लेक्स नहीं बना दिया फिलॉसफी को, कॉमन मैन जो इसको अंडरस्टैंड कर सके वैसा एक कंसेप्ट का इन्होंने। इन्होंने कहा कि इंसान वो करता है जिसमें उसको प्लेजर मिलता है, और वो चीज़ अवॉइड करता है जिसमें उसको पेन मिलता है। सिंपल कंसेप्ट। देखिए जहाँ पे फिलोसोफर इतने बड़ी बातें करते थे, फिलोसोफर किंग की 50 साल इतना पड़ेगा तो वैसे आइडियल स्टेट होगी, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे, तो वहाँ पे एक कॉमन मैन फिलोसफी आ जाती है जिसको एक आम इंसान जो है जो कम पढ़ा लिखा होगा वो भी समझ सके। इन्होंने कहा यूटिलिटेरियनिज्म का कि देर आर द 2 पैरामीटर्स जिसके बेसिस पे इंसान जो है एक्ट करता है।
एंड दैट इज द प्लेजर एंड द पेन. ठीक है, प्लेजर एंड द पेन. अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लगती है जो प्लेजर देती है तो वो आप करेंगे, यू विल डू, यू विल परफॉर्म दैट एक्ट. जो एक्ट आपको पेन देगा, जो एक्शन आपको पेन देगा, यू विल अवॉइड दैट एक्ट. राइट, तो सिंपल सा कंसेप्ट है, लेकिन इस सिंपल कंसेप्ट में बहुत से फ्लॉज थे, वो मैं अभी दिखाने वाला हूँ, आपको समझाने वाला हूँ. और इसी फ्लॉज को जो है ह्यूमैनिटेरियंस ने और सोशलिस्ट ने क्रिटिसाइज किया, और इसको कार्लिल जो थे उन्होंने कहा कि इट्स अ पिग फिलॉसफी. बिकॉज रीज़न है इसके पीछे कि उन्होंने कहा जिस तरह से जो पिग है वो अपना एपेटाइट भरने के लिए कुछ भी खा लेता है और उसमें उसको प्लेजर मिलता है, तो वैसे ही ये थ्योरी जो है एक पिग थ्योरी है, बिकॉज इसने प्लेजर और पेन की जो क्वांटिटी है उसको जस्टिफाई किया है, क्वालिटी को जस्टिफाई नहीं किया. ध्यान से समझिएगा दोस्तों, वो कहते हैं कि इट्स अ पिग थ्योरी बिकॉज पिग जिस तरह से अपना पेट भर लेता है, कुछ भी खा लेता है, जस्ट टू फुलफिल हिज प्लेजर, जस्ट टू गेट द प्लेजर, वो कुछ भी खा ले तो उसको प्लेजर मिल जाता है, उसमें जो है क्वालिटी मेजर नहीं होती, क्वालिटी मैटर नहीं करती, तो इसलिए इसको पिग थ्योरी कहा गया. बिकॉज बेंथम की जो प्लेजर पेन का कंसेप्ट था उसमें यही था कि आप कोई भी एक्ट करें वो प्लेजर देगा तो वो सही है, जो आपने आपको पेन देगा वो गलत है, इररिस्पेक्टिव कि वो क्वालिटी ऑफ एक्ट क्या होगा. बेंथम ने इवन यहाँ तक कहा था कि जो एक गेम होती है, ठीक है ना, पुशपिन करके गेम थी, कि उसने कहता इट इज एज गुड एज द पोइट्री. चाहे पोइट्री हम देखते हैं हायर लेवल एक हॉबी है, एक हायर लेवल का एक्ट है, वो उसको उन्होंने एक बच्चों की जो छोटे बच्चे गेम खेलते हैं उससे कंपैरिजन करते हैं बेंथम, वो कहते हैं दोनों एज गुड है और इक्वल हैं बिकॉज दोनों इक्वल अमाउंट ऑफ प्लेजर देते हैं. तो इसीलिए इस थ्योरी को पिक थ्योरी किया गया, बिकॉज इस थ्योरी वर फोकस ऑन द क्वांटिटी ऑफ द प्लेजर एंड नॉट द क्वालिटी ऑफ द प्लेजर. ओके, तो इसी चीज़ को इन्होंने बाद में रिवीजन जो है जे एस मिलने करते करते इसको पूरा चेंज ही कर दिया. तो देखिए, अब अगर हम जो यूटिलिटेरियनिज्म की जो बेसिक यूटिलिटेरियनिज्म था, बेंथम का जो था यूटिलिटेरियनिज्म, उसकी बात करेंगे, उन्होंने कहा कि प्लेजर जो है ये डिफर नहीं करता है क्वालिटी में, और पर्सन हैं वो भी डिफर नहीं करते हैं क्वालिटी में. बेंथम ने कहा कि किसी भी एक्शन को या स्टेट का एक्शन हो उसको अगर हम बात करें मेजर करने की तो वो क्या होगा, या पॉलिसी ऑफ द स्टेट की बात करें, एक्शन क्या बात करें, इट इज़ द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दोस्तों, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर. मतलब अगर आप मैक्सिमम लोगों को प्लेजर दे रहे हैं, उसे प्लेजर मिल रहा है, तो दैट पॉलिसी, दैट एक्शन ऑफ द स्टेट स्टेट इज जस्टिफाइबल, इज लाइक अ गुड एक्शन. अगर वो मैक्सिमम लोगों को पेन दे रहा है तो वो जो एक्शन है वो क्या है, गलत है. देखिए, कॉमन मैन फिलोसफी, सिंपल, कितनी बेसिक फिलोसफी है, जो आपको अच्छा लगे प्लेजर दे, दैट इज अ गुड एक्शन, दैट यू विल डू इट एंड यू विल अवॉइड दैट एक्शन विच विल गिव यू द प्ले विच विल गिव यू द पेन. ओके, अब बात करते हैं ब्रॉडर लेवल पे, अब बात ये कर रहे हैं स्टेट लेवल पे, राइट, कि अगर आपकी स्टेट का कोई भी एक्शन या पॉलिसी है जो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ द ग्रेटेस्ट नंबर को दे रही है तो वो सही है, अगर उल्टा होगा तो गलत है, राइट. एंड स्टेट शुड प्रमोट द पॉलिसीज, ऐसी पॉलिसीज बनानी चाहिए स्टेट को जो लोगों की जो हैप्पीनेस है वो इंक्रीज करे, और उसी से क्या हो जाएगा, वो कैसे होगी हैप्पीनेस इंक्रीज, थ्रू द नेशनल इनकम इंक्रीज एंड द प्रॉफिट, राइट. अगर आप लोगों की हैप्पीनेस बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसमें से प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा. नेशनल इनकम जब स्टेट की बढ़ेगी तो अपने आप लोगों की खुशियां बढ़ जाएंगी, तो स्टेट की जो पॉलिसीज हैं वो सही हो जाएंगी, राइट. और यहाँ पे एक किस्म से हम देखा जाए, इट डज नॉट सपोर्ट द वेलफेयर स्टेट बट ऑल शुड बी फ्री टू मेक द मनी. एक किस्म से ये फिर से कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है कि लोगों को अगर देखिए मैं हूँ, मुझे प्लेजर मिलता है कि मेरे वर्कर्स 10-10 घंटे काम करें और मुझे प्रॉफिट कमा के दें, मुझे उससे प्लेजर मिल रहा है, राइट, मेरा प्रॉफिट हो रहा है ना, मुझे पैसा आ रहा है, तो चाहे वर्कर एक्सप्लॉइट होते हैं तो हुए, राइट. वर्कर अगर एक्सप्लॉइट हो रहे हैं दोस्तों तो होने दें, मेरा प्रॉफिट आ रहा है, मुझे प्लेजर मिल रहा है, तो इट मींस अकॉर्डिंग टू दिस यूटिलिटेरियनिज्म माय दैट एक्शन इज करेक्ट बिकॉज इट इज गिविंग मी प्लेजर. समझे दोस्तों, यही तो फ्लॉ एक है जो अभी बाद में आपको पढ़ाने वाला हूँ अभी बस, ठीक है. तो बात अभी हम कर रहे थे ये प्लेजर एंड पेन की, और इसके साथ साथ ही यहाँ पे एक जो है एक फैलिसिफिक कैलकुलस दिया बेंथम ने, अपना एक बहुत अच्छा सा बनाया ये कैलकुलस. तो इसमें वो कहते हैं कि हम मेजर कर सकते हैं साइंटिफिकली वी कैन मेजर कि जो हैप्पीनेस है
या सॉरी नॉट हैप्पीनेस, ये वर्ड ध्यान से समझिएगा, हैप्पीनेस और प्लेजर में डिफ्रेंशिएट करिएगा, क्योंकि प्लेजर को बाद में जो है हैप्पीनेस में कन्वर्ट किया जेएस मिल ने। ये मैं आपको समझाऊंगा, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा जब अपना आंसर लिखेंगे, बेंथम के आंसर में आपने हैप्पीनेस वर्ड यूज़ नहीं करना है, आपने सिर्फ प्लेजर वर्ड यूज़ करना है। हैप्पीनेस वर्ड जो है वो जेएस मिल के वक्त आप यूज़ करेंगे, जो जेएस मिल का यूटिलिटेरियनिज्म था उसमें हैप्पीनेस का कंसेप्ट आएगा, ठीक है। तो बेंथम का जो फेलिसिफिक कैलकुलस था उसने कहा इसके एक साथ में जो है मेजर कर सकते हैं कि जो आपको प्लेजर मिल रहा है वो कितने कितना ज़्यादा है या कम है, राइट। तो वो कैसे मेजर करेंगे आप, आपको उन्होंने 7 पैरामीटर्स दिए इसके, ठीक है। वो कहते हैं कि ड्यूरेशन, हम देखेंगे कितनी देर तक वो प्लेजर लास्ट करता है। अगर वो ज़्यादा देर तक करेगा तो प्लेजर अच्छा है, प्लेजर की इंटेंसिटी हाई है, वो इंटेंसिटी पे ज़्यादा ऊपर है, तो अगर वो ड्यूरेशन कम है तो इंटेंसिटी कम है उसकी, ठीक है। दूसरा इंटेंसिटी हो गया कि इंटेंस कितना है, कितनी अंदर तक खुशी मिली आपको प्लेजर की, राइट। अगर वो ज़्यादा मिलेगी तो ऑब्वियसली प्लेजर ज़्यादा है, अगर नहीं तो कम, राइट। हम करते हैं प्रोम्पिक्यूटी, मीन्स हाउ नियर आर रिमोट, कितने पास है वो आपके, कितनी दूर। अगर कहीं जैसे सपोज करो आपके नियर बाय ही कुछ आपने ऐसा एक्शन किया जिससे आपको प्लेजर मिला, तो इट मीन्स इट इज़ मोर इन द क्वांटिटी, ओके। अगर वो कहीं दूर हो रहा है और आपको दूर से पता चल रहा है तो इट इज़ नॉट नियर टू यू, राइट, तो वो थोड़ा लेस क्वांटिटी में आपको इम्पैक्ट करेगा। एक्सटेंट क्या है, हाउ वाइडली इट इज़ कवर, कितने एक्सपेक्ट्स में, कितने आप 360 डिग्री में देखेंगे अपनी लाइफ, इमोशनल, इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली, किस तरह से आपको प्लेजर दे रहा है, कितने एक्सपेक्ट्स कवर कर रहा है। तो अगर ज़्यादा एक्सपेक्ट कवर करेगा तो ज़्यादा अच्छा प्लेजर है, अगर कम करेगा तो कम प्लेजर, ठीक है। सर्टनिटी कितनी है, हाउ प्रोबेबल इट इज़, राइट, हाउ प्रोबेबल इट इज़ सर्टन, कितना है कि कितना परसेंट सर्टन है कि वो आपको प्लेजर जो है उससे मिलेगा ही मिलेगा उस एक्शन से, या उस एक्शन से आपको प्लेजर नहीं कम मिलेगा। अगर आप 100% श्योर हो कि आपको इससे प्लेजर मिलेगा तो इट इज़ मीटिंग हायर ऑन द स्केल, राइट। अगर आपको इससे कम प्लेजर मिलेगा इट इज़ ऑन द लोअर ऑन द स्केल, राइट। तो आगे प्योरिटी कितनी है, हाउ इट इज़ फ्री फ्रॉम द पेन, कहीं प्लेजर्स के साथ कुछ पेन भी आते हैं आपको, जैसे बॉडी बनानी है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्लेजर मिलता है आपकी बॉडी बन गई बट साथ में पेन भी है, यू हैव टू पुट द हार्ड वर्क, यू हैव टू बेयर दैट पेन, राइट। तो उसके साथ पेन फ्री कितना है, और फेकेंडिटी हो गया कि हाउ इट लीड टू द फर्दर प्लेजर्स, इससे आपको वो आगे कितने प्लेजर्स मिल सकते हैं दोस्तों। तो ये 7 मोटा मोटा इन्होंने पैरामीटर्स दिए जिसके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि बेंथम ने कहा कि आई विल मेजर द इंटेंसिटी, या आप कह सकते हैं स्केल ऑफ द प्लेजर, कितना वो स्केल पे हायर होगा या लोअर होगा, इस फेलिसिफिक कैलकुलस के थ्रू साइंटिफिक वे में उन्होंने कहा हम प्लेजर को मेजर करेंगे। बहुत बढ़िया, यहाँ तक सेलिएंट फीचर ऑफ यूटिलिटी। दोस्तों अब देखते हैं ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस और द ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं, इसका इनडायरेक्टली मतलब है कि स्टेट पॉलिसी की बात करते हैं। बेंथम जो थे हम जानते हैं कैपिटलिस्ट, प्रो कैपिटलिस्ट थे, कैपिटलिज्म की आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी। बेंथम कहते थे हैप्पीनेस और प्लेजर जो है वो सेम है। मैं आपको बता चुका हूँ कि बेंथम के आंसर में हैप्पीनेस वर्ड यूज़ नहीं करना है, बिकॉज द मिल वॉज द वन, जे एस मिल वॉज द वन हु डिफ्रेंशिएटेड बिटवीन द हैप्पीनेस एंड द प्लेजर। लेकिन फॉर बेंथम बोथ प्लेजर एंड द हैप्पीनेस वर द सेम। प्लेजर का मतलब प्रॉफिट, ठीक है, यहाँ पे हम स्टेट पॉलिसी की बात कर रहे हैं कि अगर आप प्रॉफिट कमा के दे रहे हैं स्टेट को, या आपका ऐसा एक्शन है जो आपको प्लेजर दे रहा है और उसे प्रॉफिट मिल रहा है, इंडिविजुअल लेवल की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो वो सही है, इवन एट द कॉस्ट ऑफ द अदर वो सही है, बिकॉज आपको तो प्लेजर मिल रहा है ना, राइट। यही बहुत बड़ा फ्लॉ बनने वाला है पॉलिसी का बाद में, इस आइडियोलॉजी का बाद में। देखिए कहते हैं वो इकोनॉमिक पॉलिसी को यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी सपोर्ट करती है जिसमें मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट की बात हो। कहते हैं स्टेट शुड नॉट इंटरवीन अगर स्टेट गिव राइजेस टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। देखिए कहते हैं स्टेट को तब तक डज नॉट इंटरवीन इकोनॉमिक, क्योंकि स्टेट के अगर आप छोड़ देंगे लोगों को और लोग अपने प्लेजर के बारे में सोचते हैं, वो ऐसे एक्शन परफॉर्म करेंगे जिसमें उनको प्रॉफिट मिलता है, तो इट विल ऑटोमेटिकली गिव राइज टू द मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिटी, राइट। तो और उन्हें सजेस्ट किया कि स्टेट इंटरवेंशन इकोनॉमिक जो पुअर के बिहाफ पे है वो एक डिजायर पॉलिसी नहीं है। देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, वो कहते हैं कि अगर आप जो है आप अगर पुअर के लिए आप ऐसी पॉलिसीज बना देंगे कि उनके लिए सोशल स्कीम्स ले आएंगे, उनके लिए ज़्यादा काम करने लग जाएंगे, राइट, तो इकोनॉमिक जो है वो अपने आप नीचे बैठ जाएगी, बिकॉज आप स्टेट का जो पैसा है वो कहीं ना कहीं उन लोगों पर लगा रहे हैं जो विच इज़ नॉट गिविंग एनीथिंग टू द इकोनॉमी, राइट। ये लेजी फेयर पॉलिसी में बिलीव करते थे, मिनिमम इंटरवेंशन ऑफ द स्टेट,
एवरी वन शुड डू एज पर देयर लाइक टू पैरामीटर्स, प्लेजर एंड पेन. वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्लेजर का एक जो पैरामीटर उन्होंने कहा था प्रॉफिट है. अगर बंदा जो है जो जो इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, जो कैपिटलिस्ट होगा, ऑब्वियसली ही विल वर्क टूवर्ड्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट बिकॉज वो प्लेजर देगा उसको. उसी के साथ जो है स्टेट की इकॉनमी बढ़ जाएगी, लोगों का बाकियों का भला हो जाएगा. देखिए एक टिकल डाउन इफेक्ट होता है यहाँ पे. टिकल डाउन इफेक्ट क्या कहता है? कहता है कि अगर आप लोग जो है कैपिटलिज्म ज़्यादा प्रमोट करेंगे, कैपिटलिज्म को, जब टॉप जो क्लास है सोसाइटी की, जो टॉप क्लास है सोसाइटी की, अगर उनकी इनकम बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जॉब्स बढ़ेंगी, नेशनल इकॉनमी बढ़ेगी, लोगों के पास पैसे आएंगे, एक नेशनल जो हमारे पैरामीटर्स हैं वो इम्प्रूव होंगे, तो इसको टिकल डाउन इफेक्ट कहते हो. पॉवर्टी अपने आप जो है रेडिकेट हो जाएगी. तो कहीं ना कहीं बैंथम की जो पॉलिसी है वो इसी चीज़ को प्रमोट करती है. वो कहती है कि आप नेशनल इनकम जो इंक्रीज़ करेंगे तो पॉवर्टी जो है वो कैन बी रेडिकेटेड बाय द टिकल डाउन इफेक्ट. मेन जो यूटिलिटेरियनिज्म का अगर हम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, वो कहते हैं मिनिमम इंटरवेंशन, एंड अगर कुछ इंटरवेंशन करनी भी है इट शुड वर्क टूवर्ड्स द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इररिस्पेक्टिव कि आप वर्कर्स की हेल्थ कंडीशन, सोशल कंडीशन, डिग्निटी, वो सब चीज़ें छोड़ दो. यू शुड ओनली फोकस ऑन द मैक्सिमाइजेशन ऑफ द प्रॉफिट. ओके, तो इसीलिए इसको क्रिटिसिज्म मिला. देखिए अब पूछा जाता है कि वाई यूटिलिटेरियनिज्म जो है वो क्रिटिसाइज हुआ, बिकॉज ऑफ देयर एम्फसिसेशन या दे एम्फसाइज ऑन द सेटिस्फेक्शन ऑफ एपेटाइट. राइट, मैंने आपको बताया वो प्लेजर पेन की बात करते हैं. वो कहते हैं प्लेजर और पेन जो है वो कोई क्वालिटेटिव मैटर्स पे, जो क्वालिटेटिव पैरामीटर्स पे डिफर नहीं करते, वो क्वांटिटी मैटर करती है. इसीलिए इस थ्योरी को पिक थ्योरी भी कहा गया. तो इन्होंने मैन को जो था डिग्रेड कर दिया टू द लेवल ऑफ द पिक. वो कहते हैं कोई भी एक्शन जो इंसान को प्लेजर देता है वो अच्छा है, जो बुरा एक्शन वो है जो आपको पेन देता है दोस्तों. तो इररिस्पेक्टिव जैसे पिक कुछ भी खा ले तो उसको प्लेजर मिल रहा है, राइट? तो उसको अगर प्लेजर मिल रहा है उसको खाने से, तो वैसे ही इंसान का कोई भी एक्शन होगा वो उसको प्लेजर देगा एज पर दिस थ्योरी जो बैंथम ने दी थी. वो कहते हैं पिग इज कंसर्न ओनली अबाउट द सेटिस्फेक्शन ऑफ द एपेटाइट, नो कंसर्न फॉर द क्वालिटी. यही पॉइंट उसने बैंथम ने कहा कि हाँ ठीक है, जैसे प्लेजर क्वालिटी में हमारा डिफर नहीं करता, इंसान भी क्वालिटी में डिफर नहीं करते. तो इट बिकम द जस्टिफिकेशन फॉर द एक्सट्रीम एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वर्कर बाय द कैपिटलिस्ट क्लास बिकॉज प्रॉफिट इज द सोर्स ऑफ द प्लेजर. आप प्रॉफिट के लिए काम कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव वर्कर कितना एक्सप्लॉयट हो रहे हैं, इररिस्पेक्टिव वर्कर की क्या कंडीशन बननी हो रही है, क्योंकि आपको प्रॉफिट मिल रहा है, आपका प्लेजर हो रहा है, तो वो जस्टिफिकेशन है एज पर दिस फिलोसफी, राइट? कैपिटलिज्म की जस्टिफिकेशन दे रहा है. नथिंग रॉन्ग इफ अ पर्सन इज गोइंग फॉर प्लेजर इवन एट द कॉस्ट ऑफ द ह्यूज डिस्ट्रेस टू द अदर्स, राइट? अगर मैं दूसरों को नुकसान पहुंचा के भी अपने प्लेजर ले रहा हूँ, जस्टिफिकेशन, राइट? प्लेजर मिल रहा है मुझे. देखिए कितने फ्लॉज हैं इसके. प्लेजर मीन्स प्रॉफिट, पेन मीन्स लॉस. सब कुछ जस्टिफाई यहीं से हो गया कैपिटलिज्म के बारे में, राइट? और फर्दर वो कहते हैं, फर्दर इस थ्योरी की बात करूँ मैं दोस्तों, तो फर्दर जो क्रिटिसिज्म इस थ्योरी का हुआ है वो सोशलिस्ट कहते हैं कि इन्होंने प्रॉफिट को प्रीमेसी दी ओवर द नंबर. इन्होंने कहा प्रॉफिट ही प्लेजर का सोर्स है, लोगों का मत सोचो. पिक फिलोसफी कहा गया बिकॉज जस्टिफिकेशन ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एट द कॉस्ट ऑफ द डिग्निटी ऑफ द वर्कर. इसलिए इसको जो थॉमस कार्ले थे तो उन्होंने इस थ्योरी को क्या कहा? पिक थ्योरी कहा, ठीक है? अब जो हम बात करेंगे कि मिल ने इसको कैसे रिवाइज किया. मिल ने कहा कि मैं एक्सेप्ट करता हूँ, इन्होंने पहले बैंथम का जो बेसिक फंडा था वो एक्सेप्ट किया. इन्होंने कहा मैं एक्सेप्ट करता हूँ ह्यूमन एक्शंस आर गाइडेड बाय प्लेजर. परफेक्ट, मिल ने यहाँ तक एक्सेप्ट किया. देखिए हमने अभी तक इसके क्रिटिसिज्म देख लिया कि जो सोशलिस्ट और ह्यूमैनिटेरियन ने क्रिटिसिज्म किया. अब मिल कहते हैं, अब यहाँ से मिल की फिलॉसफी शुरू हो रही है यूटिलिटेरियनिज्म की. ध्यान से समझिएगा दोस्तों. कहते हैं कि भाई मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि जो ह्यूमन एक्शंस हैं दे आर गाइडेड बाय द प्लेजर, लेकिन इन्होंने जो कंसेप्ट था प्लेजर का उसमें कुछ चेंज प्रपोज की, ठीक है? पहला, प्लेजर जो है वो क्वालिटेटिव भी है. प्लेजर इज क्वालिटेटिव टू. दूसरी चीज, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द प्लेजर एंड द हैप्पीनेस. देखिए अब बहुत अच्छे समझ आ रहा होगा आपको दोस्तों यहाँ पे, कि पहली चीज की प्लेजर जो है क्वालिटेटिव भी है, दूसरा हैप्पीनेस और प्लेजर दोनों में डिफरेंस है. प्लेजर मीन्स सेटिस्फेक्शन ऑफ द बॉडी एंड द हैप्पीनेस मीन्स सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोल. कितना बड़ा चेंज लिया यूटिलिटेरियनिज्म में, उसकी बेसिक फिलोसफी ही चेंज कर दी, राइट? वो बैंथम कहते थे कि प्लेजर एंड हैप्पीनेस इज द सेम थिंग, पहली चीज. दूसरी वो कहते थे प्लेजर क्वालिटेटिव नहीं होता, प्लेजर क्वांटिटेटिव होता है. लेकिन यहाँ पे जीएस मिल कहते हैं प्लेजर क्वालिटेटिव भी होता है. और दूसरी चीज बोलते हैं कि सेटिस्फेक्शन ऑफ द बॉडी इज द प्लेजर एंड द सेटिस्फेक्शन ऑफ सोल इज द हैप्पीनेस. दोस्तों क्वालिटी कैन नॉट बी मेजर, फेलिसिफिक कैलकुलस को आउटराइटली रिजेक्ट कर दिया मिलने. मिलने कहा कि क्वालिटी कैन नॉट बी मेजर,
लाइक प्लेजर डिफर इन क्वालिटी पर्सन डू ऑल्सो डिफर इन क्वालिटी सम आर मैन ऑफ रीजन एंड सम आर मैन ऑफ एपेटाइट. उन्होंने कहा जिस तरह से प्लेजर हमारा डिफर करता है क्वालिटी में उसी तरह इंसान भी करते हैं और कुछ लोग रीजन से बने होते हैं कुछ लोगों का जो प्राइमरी एलिमेंट होता है वो एपेटाइट होता है. देखिए कितना चेंज लिया इस फ्रॉस में पूरा फाउंडेशन ही चेंज कर दिया. मिल कहते हैं आगे कि इट इज़ बेटर टू बी सॉक्रेट्स डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड. इट इज़ बेटर टू बी मैन डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड. समझ रहे हैं दोस्तों यहाँ पे वो बोल रहे हैं. दोस्तों मिल जो रिफॉर्मेशन लाते हैं इसमें यूटिलिटेरियनिज्म की फिलॉसफी में मिल यहाँ पे कहते हैं एक लाइन कहते हैं इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाता है. इट इज़ बेटर टू बी सॉक्रेट डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड. इट इज़ बेटर टू बी अ मैन डिससेटिस्फाइड देन अ पिग सेटिस्फाइड. कहते हैं सॉक्रेट का डिससेटिस्फाइड होना ठीक है चलेगा मुझे लेकिन एक फूल का सेटिस्फाइड होना नहीं चलेगा. उसी तरह मैन का सेटिस्फाइड होना चलेगा मुझे लेकिन पिक का सेटिस्फाइड होना नहीं चलेगा. मतलब प्लेजर जो है वो हमारा क्वालिटी में भी डिफर करता है. कुछ लोग जो है रीज़न एलिमेंट उनमें प्राइमरी होता है और कुछ लोगों में एपेटाइट होता है. अगर पिक की तरह मैं खाना खाते जाऊँ उसको सेटिस्फाई कर दूँ और बोलूँ कि ये प्लेजर हो गया नहीं मिल को नहीं चलेगा. लेकिन किसी इंसान ने कुछ ऐसे एक्शंस किए हायर लेवल के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन लेवल के जिसमें उसको चाहे कामयाबी नहीं मिली हो बट इट विल बी अ प्लेजर फॉर हिम राइट. तो यहाँ पे जो है मिल कहते हैं यहाँ पे कि प्लेजर जो है डिफर इन क्वालिटी एंड पर्सन ऑल्सो डिफर इन क्वालिटी राइट. कहते हैं थिंक विच विल सेटिस्फाई अ पिग विल नॉट सेटिस्फाई अ ह्यूमन बीइंग. इंसान को ऐसा नहीं है जो चीज़ें पिक को सेटिस्फाई करेगी इंसान से भी उससे सेटिस्फाई हो जाएगा. जैसे पिक के लिए खाना खाना ही सेटिस्फेक्शन है इंसान के लिए ऐसा नहीं है. इंसान के लिए बहुत से ऐसे काम होते हैं कार्य होते हैं जिससे उसको सेटिस्फेक्शन मिल सकती है और वो भिन्न प्रकार के होते हैं अलग अलग तरह के होते हैं और उनमें जो है क्वालिटेटिव पैरामीटर्स पर वो डिफर करते हैं. थिंक्स विच सेटिस्फाई अ कॉमन मैन मे नॉट सेटिस्फाई द मैन ऑफ रीजन लाइक सॉक्रेट्स. अब एक और लेवल ऊपर चले जाइए. देखिए जो पिक करेगा वो इंसान सेटिस्फाई नहीं होगा जो कॉमन मैन करेगा वो हायर लेवल जो रीजन वाले मैन है जैसे सॉक्रेट उनको वो सेटिस्फाई नहीं करेगा. मैंने आपको बताया था बैंथम कहते थे पुष्पिन जो एक गेम थी इट इज एज गुड एज अ पोएट्री. ये बैंथम कहते थे पर यहाँ पर ये नॉट लगा देते हैं मिलकर पुष्पिन इज नॉट एज गुड एज द पोएट्री. पोएट्री एक अलग लेवल का क्वालिटेटिव मेजर है एक प्लेजर है और जो पुष्पिन है इट्स जस्ट अ चाइल्ड गेम वो एक अलग लेवल का प्लेजर है. क्वालिटी में डिफर करती हैं दोनों. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द मैन एंड द एनिमल. दोनों सेम लेवल पे पैरामीटर्स पे मेजर नहीं किया जा सकता है दोनों की प्लेजर को. द एक्शन ऑफ द मैन कैन नॉट बी गाइडेड बाय जस्ट बाय द एपेटाइट. देयर आर मेनी अदर पैरामीटर्स जो हैं जिसके बेसिस पे हम इंसान के एक्शंस को मेजर या प्लेजर के बेसिस पे मेजर कर सकते हैं. तो इन शॉर्ट में बोलूं बैंथम का जो प्लेजर था वो सिर्फ क्वांटिटी में था. मिल का जो प्लेजर था वो क्वालिटेटिव पैरामीटर्स पे भी उसको मेजर किया जाता था राइट दोस्तों. और इनके लिए हैप्पीनेस और प्लेजर दोनों अलग अलग चीज़ें थी लेकिन बैंथम के लिए हैप्पीनेस और प्लेजर जो थी वो दोनों चीज़ें एक थी राइट. तो यहाँ पे जो है एक और लाइन है बहुत बड़ी मिल की कि आई रिगार्ड यूटिलिटी एज द हाइएस्ट अपील ऑफ ह्यूमन एक्शंस. मतलब दे आर एक्सेप्टिंग दैट द यूटिलिटी जो है प्लेजर एंड पेन की इट इज़ द हाई इसके थ्रू ही इंसान के एक्शंस में वो गाइड होते हैं. हाउएवर इट इज़ द यूटिलिटी इन इट्स वाइडेस्ट सेंस राइट. इट इज़ बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ मैन एज अ प्रोग्रेसिव बीन. मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं वो कह रहे हैं जो इंसान का सेटिस्फेक्शन का जो मैं मानता हूँ कि ह्यूमन एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं यूटिलिटी के बेसिस पे हम मेजर करना चाहिए दैट इज़ द प्लेजर एंड द पेन. लेकिन बैंथम की तरह ये देखिए मान रहे हैं ऑल्सो रिगार्ड यूटिलिटी एज द अल्टीमेट अपील टू ऑल द ह्यूमन एक्शंस आर द प्रिंसिपल एथिक्स. लेकिन वो कहते हैं इट शुड बी इन द वाइडेस्ट सेंस. मतलब नॉट जस्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ द बॉडी बट ऑल्सो सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोल हैप्पीनेस एज वेल एज द प्लेजर. प्लेजर हो गया सेटिस्फेक्शन ऑफ द बॉडी एंड हैप्पीनेस मीन सेटिस्फेक्शन ऑफ द सोल. दोनों पैरामीटर्स पर वो खड़ी उतरनी चाहिए. नॉट जस्ट द प्लेजर बट ऑल्सो द हैप्पीनेस राइट. दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी है. नॉट जस्ट द क्वांटिटी बट द ऑल्सो द क्वालिटी. कहते हैं कि वाइडेस्ट सेंस में हमें उसको कंसीडर करना चाहिए. हमें सिर्फ बॉडी की प्लेजर नहीं देखना है हमें सोल का प्लेजर भी देखना है सेटिस्फेक्शन देखना है. प्लेजर नहीं हमें हैप्पीनेस भी देखनी है हमें क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी देखनी है. तो कहीं ना कहीं ये जो यूटिलिटेरियनिज्म हम भी पढ़ रहे हैं ये मिल का यूटिलिटेरियनिज्म है दोस्तों. फिर कहते हैं मैन एज अ प्रोग्रेसिव बीइंग. मतलब मैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम द एनिमल. बेसिक डिफरेंस इज कि इंसान के पास रीज़न है और वो जानवरों के पास नहीं है. मैन कैन नॉट बी सेम एज द पिग राइट. तो यहाँ पे कहते हैं इन ऑर्डर टू डिफेंड बैंथम. लेकिन देखिए बैंथम को यहाँ इन्होंने डिफेंड करने की कोशिश की. देखिए गुरु थे बैंथम उनके
डिसाइपल थे जेएस मिल, उन्होंने कहा बीइंग द डिसाइपल इट्स माय ड्यूटी कि मैं अपने गुरु के जो फ्लॉज हैं उनको ओवरकम करूं, लेकिन उसको डिफेंड करते करते ही एंड अप इन डिस्ट्रॉइंग द फाउंडेशन ऑफ बेंथमिज्म ऑफ यूटिलिटेरियनिज्म व्हिच इज गिवन बाय द बेंथम, राइट। बेसिक फाउंडेशन ही चेंज कर दी, क्वांटिटी में नहीं रखा क्वालिटी में कर दिया, हैप्पीनेस प्लेजर अलग अलग कर दिए और बोल दिया कि ऐसा नहीं है कि पुष्पिन इज एज गुड एज द पोएट्री, पूरी फाउंडेशन ही कर दी। और इसलिए कहा जाती है ये लाइन कि पेपर में पूछ सकते हैं तो ये सब चीज़ें ही आपने लिखनी है कि मिल वॉज अ पीटर वॉज अ स्टूडेंट हु डिनाइड हिज मास्टर, जिसने अपने मास्टर को ही डिनाइड कर दिया दोस्तों। दो मिल इज अक्यूज ऑफ डिस्ट्रॉइंग यूटिलिटेरियनिज्म, बट एक्चुअल सेंस में देखा जाए तो उन्होंने रिफॉर्मेशन लाई हैं और इसको मोर लेजिमेट और ह्यूमेन बनाया है दोस्तों। तो यहाँ पे बेसिक डिफरेंस था, तो ये एक लास्ट डिफरेंस के साथ इस लेक्चर को हम एंड करेंगे दोस्तों। फिर जो बाकी मिलके टॉपिक्स हैं लिबर्टी और डेमोक्रेसी और बाकी कंसेप्ट वो देखेंगे। बेंथम की बात करें, बेंथम प्रिंसिपल यूटिलिटी मानता था प्राइमरी, और यहाँ पे मिल जो थे वो ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस की बात करते थे। यहाँ पे इनका एम्फसाइज़ था प्लेजर सिर्फ पे, यहाँ पे वो हैप्पीनेस पे भी फोकस थे, ये क्वांटिटी से ज़्यादा फोकस थे। कहते थे पुष्पिन जो है जो चाइल्ड गेव है इज एज गुड एज द पोइट्री, लेकिन यहाँ क्वालिटी की बात कहा जाता था। बेटर टू बी सॉक्रेट डिससेटिस्फाइड देन अ फूल सेटिस्फाइड, ये सोशल रिफॉर्मर क्रिमिनल जुडिशरी एंड पिनल के लिए बात करते थे। यहाँ पे मिल की बात करूँगा, सोशल रिफॉर्मर तो थे, इक्वलिटी फॉर वुमेन की सबसे ज़्यादा बात करते थे। इट लेबल्ड एज एन एक्ट यूटिलिटेरियनिज्म, ये एक्चुअल जो एक्ट की बात करते थे, ये रूल से ज़्यादा स्टेटस, ये इंडिविजुअलिज्म के कह सकते हैं लेवल पे थे, ये स्टेट के लेवल पे ज़्यादा बात करते थे। तो ये एक बेसिक कंपैरिजन हमने लाया है, ज़्यादा इसकी जरूरत नहीं, ये पेपर में नहीं आता। बेसिक जो है आपको ये चीज़ें ही लिखनी है पेपर में कि क्वांटिटी, यहाँ पे क्वालिटी की बात होगी मिल की, यहाँ क्वांटिटी की बात होगी, यहाँ हैप्पीनेस की बात होगी, यहाँ प्लेजर की बात होगी, राइट। तो ये बेसिक डिफरेंस है दोस्तों, आई होप आपको समझ आया होगा। कैसा लेक्चर लगा लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए दोस्तों, आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। उतना सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है जितने हमारे लेक्चर्स अच्छे हैं दोस्तों। आई गेट मैनी कॉल्स कि आपके लेक्चर बहुत अच्छे हैं, पर प्लीज़ ये सपोर्ट हमें यहाँ यूट्यूब पर भी दिखाइए ताकि हम और रेगुलर लेक्चर्स डाल सकें। थैंक यू सो मच दोस्तों।